डिश आउट कर चुके थे, वापस से स्पॉट करा जाएगा और अगेन बहुत ज्यादा डैमेज उन प्लेयर्स को ऑलरेडी इन्होंने डिश आउट कर दिया। ऋषभ की बात करते हैं, वो ही नहीं कुछ हायर ग्राउंड्स के अराउंड होल्ड करना प्रेफर करेंगे और यहां से कुछ अगर स्प्रेज सही जगह पर जा सके तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा बेटर हो सकते हैं। भूलू एक और प्लेयर को स्पॉट करके नॉकआउट करेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे। सकीरो मीनवाइल इज द ओनली गाय सर्वाइविंग फ्रॉम टीम नेस्ट ईस्पोर्ट्स एंड ही विल आल्सो गेट फिनिश्ड ऑफ। भूलू चौथा फिनिश निकाल चुके हैं। टीम हाइड्रा लास्ट मैच विनर विनर चिकन डिनर, इस मैच में भी टॉप टू पर अभी पहुंच चुके और अब रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स अभी भी वो विनर विनर चिकन डिनर की तलाश रहेगी। बट टीम लडरोस के अगेंस्ट एक 3v4 की फाइट, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है और टीम हाइड्रा को इस मैच से थोड़ा बहुत मुश्किलें यहां पर होती हुई नजर आएंगी। भोलू को नॉकआउट कर दिया जा चुका है, हालांकि ऋषभ पहुंच चुके हैं और ढोलू ऑलरेडी सर्कल के अंदर की तरफ काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। बट इस बार एक ग्रेनेड अगर सही जगह पर जाता है तो मे बी कनेक्शन मिल सकते हैं, बट ऋषभ विल फाइंड दोस्ट सम विल फाइंड सम कनेक्शन एंड अगेन मिल सकते हैं। फिलहाल स्केलेटन को स्पॉट कर जाएगा एंड फाइनली रन ओवर करके यहाँ पर स्केलेटन को करेंगे पिकअप। की बाकी के प्लेयर्स को यहाँ पर मौका मिल चुका था इसी बीच यहाँ पर सर्कल के अंदर की तरफ यहाँ पर होल्ड करने का एंड वाइपर ओपी को भी फिनिश ऑफ करेंगे राजू भाई और अब सात फिनिशेस टीम ने अपने पास में ऑलरेडी सिक्योर कर लिए। बट एक और बार ग्रेनेड टीम ZenX FM Esports के विशु को यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है, बट दिस माइट बी द विनर विनर चिकन डिनर कमिंग होम फ्रॉम दिस टीम। एक और बार ग्रेनेड किया जाएगा बट इस बार टीम हाइड्रा के राजू भाई वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करके विशु को टेक डाउन करने का ट्राई करेंगे। बट अब ऑलरेडी जैसे कि दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं फाइट जो है वो भी यहाँ पर बराबर की होने वाली है। मोक्ष काफी ओके, विशु काफी ज्यादा लो ऑन एचपी पे, बट एक और ग्रेनेड उनको पूरी तरीके से डाउन कर सकता है। टीम यूई की स्क्वाड दूसरे एंड से उनको भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना होगा एंड विशु विल फाइनली गेट पनिश्ड। नाउ टीम यूई अब यहाँ पर 2v2 की फाइट यहाँ पर एक प्रॉब्लम धीरे करके वो भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस बार पूरी तरीके से टीम यूई के प्लेयर जो है वो सर्कल के बाहर रह चुके हैं। दोनों ही प्लेयर सर्कल के बाहर रहेंगे, एक प्लेयर को टेक डाउन करा जाएगा और टीम हाइड्रा विल फाइनली टेक हिम डाउन। एंड अब राजू भाई अपनी गन चेंज करके मैट्रक को भी टेक डाउन कर सकते हैं, बट नहीं, विनर विनर चिकन डिनर कंफर्म हो चुका है। राजू भाई थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आए बट अब विनर विनर चिकन डिनर यहां पर तीसरे मैच से भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर तीसरा मैच करते जा चुके और देखते देखते टीम ZenX FM Esports इस मैच से एक अर्ली एग्जिट यहाँ पर ले चुकी है। बट प्लेयर्स काफी ज्यादा क्लोज है इस प्लेयर के और एक दो ओके दो नॉकआउट लिटरली वो दो नॉकआउट तीन नॉकआउट हाइड्रा बोलू व्हाट वाज ही डूइंग राइट नाउ तीन फिनिशेस यहाँ पर हाइड्रा भोलू 1v3 क्लच कर चुके हैं विद इन नो टाइम। स्टोन भी JMIYT के अगेंस्ट एक 1v1 की फाइट यहाँ पर रहेगी। ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो करे जाएंगे, वो एक ग्रेनेड से काफी ज्यादा लो ऑन एचपी हो चुके थे बट एक और बार ग्रेनेड किया जाएगा थ्रो काफी ज्यादा क्लोज बट नो स्टोन भी JMIYT मैनेज टू डॉज दैट ग्रेनेड। बट इस बार एक और ग्रेनेड गया है बट हाइड्रा भोलू व्हाट वाज दैट ग्रेनेड ओके भोलू फिलहाल तो सर्वाइव कर जाएंगे बट वो DBS के शॉट जो कनेक्ट करे उन्होंने लिटरली दो शॉट्स में दो प्लेयर्स डाउन और पूरी तरीके से फाइट को करा अपने फेवर में, अपनी टीम के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से फाइट उन्होंने चेंज करी है। जहां पर एक टाइम पे लग रहा था टीम हाइड्रा के वो इस लास्ट प्लेयर को काफी ज्यादा इजीली वाइप आउट करा जाता है करा जा सकता है बट स्टोन BGMYT नाउ इट विल बी अ 1v1 फाइट। ज्यादा पीक नहीं देना चाहिए अभी और स्टोन BGMYT पूरी तरीके से चार्जिंग करने को देखेंगे बट स्टोन BGMYT उनको भी हल्का फुल्का सा एक डैमेज पड़ा है और देखते ही देखते स्टोन BGMYT IGL की साइड से टेक डाउन कर दिए जाएंगे और अब टीम हाइड्रा के टीम ऋषभ की स्क्वाड जो है वो भी यहां पर क्लोजिंग करने को देखेंगे जरूर बट आई डोंट थिंक सो यहां पर चीजें उनके लिए यहां पर पॉसिबल इतनी ज्यादा आसान रहने वाली है क्योंकि टीम ऋषभ के पीछे से एक और टीम आ चुकी है पोचिता ओपी, वो काफी ज्यादा क्लोज रहेंगे और वो भी ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छे खासे फिनिश पॉइंट जो है वो इनकी टीम के पास में यहां पर आ सके और कहीं ना कहीं फाइट्स ओके पोचिता ओपी को स्पॉट करता जाता है इस बार ऋषभ की साइड से। ऋषभ का एक बहुत ही बेहतरीन सा नॉकआउट यहां पर देखने को मिलेगा, एक काफी प्यारा नॉकआउट और अब मॉलोटॉफ के साथ यहां पर कनेक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये मॉलोटॉफ देखना होगा कितना ज्यादा कनेक्शन क्लोज यहां पर बना सकता है। फिलहाल एक फिनिश अभी तक टीम हाइड्रा के पास में टीम ऋषभ के पास में देखने को मिल रहा है। एक और बार ग्रेनेड करा जाएगा पेन पूजिदा ओपी के काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है ग्रेनेड बट मेरे हिसाब से भोलू को यहां से फॉल बैक कर लेना चाहिए। फिलहाल BR क्लिकफ्लेक्स वो जस्ट यहां पर फिनिश ऑफ हुए हैं और अब देखा है तो यहां पर रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो भी कुछ ना कुछ एक अच्छी खासी वैल्यू मैच से यहां पर बना सकते हैं बट देखना क्लोज आ जाता है। इसी के साथ साथ अगेन वापस से यहाँ पर काफी सारे प्लेयर जो है वो यहाँ पर फिनिश ऑफ करे जा रहे हैं। दो फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं।